तो नॉर्मल इसका कनेक्शन कैसे करेंगे? लेफ्ट साइड में देखिए डिफ्लेक्शन हो रहा, एल की वैल्यू कितनी करी मैंने यहाँ पे। तो ये आपका मीटर ब्रिज है, क्या है? ठीक है, और मीटर ब्रिज की सहायता से हमें क्या ज्ञात करना है? अज्ञात प्रतिरोध क्या ज्ञात करना है? और इसमें जो आपके ऑपरेटर है, जैसे ये लैक्रांसे सेल है और ये क्या है आपका जिंक की लोहर, क्या है? पहले इसमें मैंने क्या लिया, वाटर लिया इस पात्र में, और ये इसमें हमने क्या रखा है, लैक्रांसे सेल, और ये क्या है जिंक की लोहर। ये एनोड का वर्क करेगा और ये कैथोड का वर्क करेगा। इससे मैंने जो सोल्यूशन तैयार किया अमोनियम क्लोराइड का, किसका किया? ये आपका एक प्राइमरी सेल हो गया जो करंट क्रिएट करेगा, ठीक है ना। और इसकी स्टार्टिंग, उसके बाद ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, ठीक है, बाकी ये आपका गैलोनोमीटर है, ठीक है, जिसमें हम लोग डिफ्लेक्शन चेक करेंगे। उसके बाद ये आपकी प्लग कुंजी है, ठीक है। तो नॉर्मल इसका कनेक्शन कैसे करेंगे तो उसको देखिएगा। जिससे सबसे पहले इसमें जो है लैक्रांसे सेल है, ये क्या नोटेट करता है, पॉजिटिव, क्या करता है, एनोड का वर्क करता है, ठीक है। इसको जो है वन साइडेड कोन क्या करेंगे, इससे जोड़ देंगे, ठीक है, इससे कनेक्ट करेंगे। यानी ये हम कहते हैं ए से, क्या बोलते हैं, ये ए हो गया। इसको इस तरह से हम जो है इसको इस तरीके से मैंने इसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है, पॉजिटिव ए सिरे से कनेक्ट कर दिया। ये जो नोटेट करता है आपका निगेटिव, किसका नोट करता है, ये जिंक की रॉड है। इसके जो सिरे के जो देगी ये है, इसको क्या करते हैं हम लोग, ये जो दिया हुआ है आपका प्लग कुंजी, इसके एक सिरे से क्या करते हैं हम लोग, कनेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, एक सिरे से इसे जोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद जो है इसी के जो सेकेंड साइड है, सेकेंड साइड को जो है किससे कनेक्ट करेंगे हम लोग, यानी इसके दूसरे सिरे से, यहाँ पे इसको देखिए, ये जो दिया हो वहां ए से कनेक्ट किया था पॉजिटिव, नेगेटिव देखिए प्लग कुंजी के वन साइडेड, फिर सेकंड साइडेड को इसके सेकंड साइड से कनेक्ट करें, इसे हम बोलते हैं बी सिरा, क्या बोलते हैं, वो आपका ए सिरा हो गया, ये आपका क्या हो गया, बी सिरा हो गया। देखिए इसको हम इससे क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे, इसको ओपन करेंगे और इस तरह से इसको इसमें कनेक्ट करेंगे, इसको जो है क्लोज कर देंगे। तो ये जो देखिए इधर जो जा रहा पॉजिटिव, क्या जा रहा, और इधर साइड से क्या आ रहा आपका, नेगेटिव आ रहा, ठीक है। बीच में देखिए इसमें जो दिया हुआ है, ये ब्लॉक जो दे रखा है, इससे रेजिस्टेंस बॉक्स के वन साइड को और सेकंड साइड को कनेक्ट करेंगे। कैसे, देखिए ये वायर है, इसको जो मैंने यहां से लिया है, इसमें एक साइड को इससे मैंने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, और इसके सेकंड साइड को जो है इससे निकाला मैंने और इसमें जो है कनेक्ट कर दिया, और इसको कनेक्ट करके इसको क्या कर देंगे हम लोग, टाइट कर देंगे। उसके बाद देखिए इसके सेकंड साइड को, ये जो लिया है इसमें, इससे मैंने इसे कनेक्ट किया है, इसे और इसे जो है टाइट कर देंगे इससे, और इसके जो है सेकंड सिरे को इससे कनेक्ट कर देंगे, ये हो गया कनेक्शन इधर साइड, ये हो गया प्रतिरोध बॉक्स, वन साइडेड यहां से कनेक्ट हुआ, सेकंड साइडेड इससे कनेक्ट हुआ। अब आते हैं ये गैलोनोमीटर, क्या था गैलोनोमीटर, जो पॉजिटिव है तो उसके मिड में देखिए एक आपका जो कनेक्टिविटी दे रखी है उससे हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे। तो ये वायर लिया यहां से और इसमें जो है पॉजिटिव से इसको कनेक्ट किया मैंने, ठीक है, और इसको जो है इससे निकाला, और ये मिड में जो दिया हुआ है पॉइंट, इससे आप जो है कनेक्ट कर देंगे। तो ये किससे हो गया, गैलोनोमीटर का पॉजिटिव, गैलोमीटर के क्या हो, पॉजिटिव साइड को बीच में जो कनेक्ट कर दिया, इसे कनेक्ट कर दिया कनेक्टिंग वायर से, ठीक है ना। इसका जो दिया है नेगेटिव जो दिया हुआ, उसको जो जॉकी जे से किससे जोड़ते हैं हम, यानी जॉकी जे से इसे कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे, इसको ओपन करेंगे और इसे इस तरह से क्लोज कर देंगे। यानी ये आपका जो बन गया जॉकी जे, क्या हो गया। इसके बाद देखिए जिसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ये दिया रेजिस्टेंस वायर, इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेजिस्टेंस, इसे बोलते हैं हम लोग अननोन रेजिस्टेंस, क्या निकालना है। इसको देखिए ब्लॉक बना हुआ है यहाँ पे, इससे जो है वन साइड इससे कनेक्ट कर दिया और सेकंड साइडेड को जो है इस वाले को यहां से कनेक्ट कर दिया और इस तरह से इसको क्लोज कर देंगे। तो देखिए इसको एक और अगेंस्ट समझा लेते हैं। ये आपका क्या था, मीटर ब्रिज है, जिसकी सहायता से तार का हमें क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। इसमें कैसे करते हैं, जो लैक्रांसे सेल है इसके पॉजिटिव साइड को किससे जोड़ते हैं, इसको ए साइड से किससे कनेक्ट कर दिया,
फिर जो ये निगेटिव वाला जो दिया है जिंक के रॉड, मैंने इसको कनेक्ट करते लिया है प्लग कुंजी, क्या बोलते हैं इसे, प्लग की के वन साइड से कनेक्ट किया और दूसरे साइड को जो है इसे कनेक्ट करते हुए क्या कर दिया मैंने, इसके बी साइड से कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना। इसके बाद जो है रेजिस्टेंस बॉक्स के दोनों साइड को मैंने मिड में जो ब्लॉक है ओपन है उसको मैंने क्लोज कर दिया वन साइड से एंड सेकेंड साइड। फिर जो गैलोनोमीटर है जिसमें डिफ्लेक्शन चेक करना हमें, तो उसमें क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया और जो है इसमें ये जो आपका निगेटिव है इसको क्लियर हो गया, पॉजिटिव साइड को किससे नोट कर दिया फिर से, और ये जो माइनस वाले जो है इसको किससे कनेक्ट कर दिया, जो किससे कर दिया, जिससे हम लोग वायर पे क्या चेक करेंगे, हम लोग डिफ्लेक्शन चेक करेंगे। तो ये कनेक्टिविटी समझ में, जिस अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है उसको देखिए इससे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इसके बाद इसमें जो प्लग कुंजी है ये तो ओपन सर्किट है, क्या है, अब इसको क्लोज करेंगे तो क्या करेंगे, इसको इसमें लॉक कर देंगे, क्या कर देंगे, यानी क्या हो गया, क्लोज सर्किट, क्या हो गया, जब तक ये मैंने इधर किया तो क्या हो गया, ओपन सर्किट हो गया। इस प्रकार से हम लोग फ्लो को चेक करेंगे रेजिस्टेंस इससे निकालने के थ्रू, ठीक है ना। इसमें जो है हम लोग जो है अब डिफ्लेक्शन चेक करेंगे, इसके वन साइड देखिए, मैंने वन ओम का रेजिस्टेंस निकाल लिया और टू ओम, वन एंड टू थ्री ओम का रेजिस्टेंस निकाला, तो देखिए इसमें जो है लेफ्ट साइड में देखिए डिफ्लेक्शन हो रहा, ठीक है ना, इस साइड से देखिए लेफ्ट यानी ए सिरे पे किया तो लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्शन हो रहा, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग आते हैं सेकंड साइड में, सेकंड टनल का, सेकंड देखिए बेटा सेकंड टनल चेक करते हैं हम लोग, सेकंड में देखिए जो है डिफ्लेक्शन जो है आपका किधर हो रहा, राइट साइड, किधर हो रहा, राइट साइड, ठीक है ना। अब इस पे हम लोग क्या चेक करेंगे, देखते जी इस पे चेक जो हम लोग करेंगे नल पॉइंट, क्या चेक करेंगे सुन लो, यानी जहां पे बैलेंसिंग पॉइंट कहलाएगा, जहां पे कोई विक्षेप नहीं होगा, ठीक है ना। और इसके मैंने ए टनल से चेक किया, यहाँ पे देखिए इसमें डिफ्लेक्शन हो रहा, यहाँ पे देखिए ये डिफ्लेक्शन, मैंने दो ओम को निकाल देखिए और डिफ्लेक्शन हो रहा, जैसे जैसे रेजिस्टेंस जो ओम आपके निकलेंगे इसमें वन ओम टू ओम टोटल कितना हो गया वन एंड टू थ्री ओम, तो देखिए ये जो है डिफ्लेक्शन हो रहा कि नहीं हो रहा, यानी लेफ्ट साइड किधर हो रहा, उधर देखोगे तो किधर हो रहा, लेफ्ट साइड डिफ्लेक्शन। ऐसे इस वायर पे देखते जाएंगे, देखिए थोड़ा सा कम हुआ, फिर देखिए ये देखिए इस वायर पे इसको जो है प्रेस ज्यादा नहीं करना है, नॉर्मली चेक करते चलेंगे, ये देखिए यहाँ पे देखिए डिफ्लेक्ट किया, किया यहाँ पे, फिर ये देखिए डिफ्लेक्ट किया, ठीक है। इस तरह से हम और भी ओम निकाल के चेक कर सकते हैं यहाँ पे, यानी डिफ्लेक्शन देखिए हो रहा, ठीक है ना, ये देखिए डिफ्लेक्शन हो रहा है इस तरीके से, इस तरीके डिफ्लेक्शन करते जाएंगे। और इसके बाद जो दिया हुआ है, और जो दिया हुआ है अब इस साइड से चेक करेंगे, इस टर्मिनल से हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो इस टर्मिनल से देखने के लिए जो है फिर जो है अब यहां से चेक करेंगे हम लोग, अब देखेंगे अब ये डिफ्लेक्शन जो हो रहा अपोजिट, क्या पहले लेफ्ट फिर क्या होने लगेगा यहाँ पे राइट में, इधर होगा ये राइट साइड में आना डिफ्लेक्शन स्टार्ट करेगा। ये देखिए डिफ्लेक्शन क्या हो रहा, पहले किधर हो रहा था आपका लेफ्ट में, आप किधर होने लगा राइट में होने लगा, तो देखिए ये देखिए लेफ्ट में कर रहा तो राइट में कर रहा, ये देखिए कर रहा, ये देखिए करते जा रहा है इधर साइड से, ठीक है, यानी ये देखिए डिफ्लेक्शन कर रहा आपका, ये देखिए, ये देखिए यानी ये डिफ्लेक्शन जो है इधर साइड से कर रहा, ठीक है ना, ये चेक करते चलेंगे, ये देखिए। और इधर साइड से जब कर रहे थे हम तो डिफ्लेक्शन किधर हो रहा था, लेफ्ट में, इधर से कर रहे तो क्या हो रहा, राइट में हो रहा। अब इसमें निगलेक्ट पॉइंट क्या ढूंढेंगे, ऐसा पॉइंट चेक करेंगे जहां पे डिफ्लेक्शन ना हो, जिसे कहते हैं शून्य विक्षेप की स्थिति, यानी धारा में कोई धारा प्रवाहित ना हो। चलिए इसको अब चेक करते हैं, हम लोग पॉइंट निकालते हैं, आया है इसका लोग नल पॉइंट चेक करते हैं, और अभी मैंने बताया था कि और डिफ्लेक्शन चेक कर लेते हैं हम लोग, जैसे लगा हुआ था आपका रेजिस्टेंस, देखिए बेटा अब इसमें हम लोग जो है नल पॉइंट के देखिए, यहाँ पे मैंने वायर पे प्रेस किया, देखिए ये डिफ्लेक्ट कर रहा इधर साइड आया, लेफ्ट साइड किधर आया, फिर इसको धीरे धीरे हम लोग चेक करते जाएंगे, जहां पे डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, यानी डिफ्लेक्शन विक्षेप नहीं होगा तो कहलाती है अविक्षेप की स्थिति, क्या कहलाती है, यानी बैलेंसिंग पॉइंट, क्या कहलाएगा, यानी यहाँ पे जैसे चेक किया मैंने, देखिए अभी भी हो रहा, ये देखिए अभी भी हो रहा, इसे चेक करते चलेंगे हम लोग, जहां पे होना बंद हो जाएगा वहां पे हम लोग इसको स्टॉप कर देंगे, देखते जाइए इसमें, ठीक है, माइनस होने लगा, यहाँ पे कुछ जो है कम हुआ, यहाँ पे जो है माइनस हुआ, अब देखिए यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन जो है रुक गया, क्या हो गया, जैसे इधर से दिखाई बड़ा यहाँ डिफ्लेक्शन रुक गया, यानी अप्रोक्स जा रहा 73 सेंटीमीटर, कितना हो गया 73 सेंटीमीटर, किसकी वैल्यू होगी, एल की, किसकी होगी,
फॉर्मूला क्या होता है, जो अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, जो आपको अभी थोड़ी देर बाद बोर्ड पे हम बना के दिखाएंगे और उसमें कैलकुलेट करके दिखाएंगे। तो रीडिंग निकाल ली सॉल्व पे आ गई। अभी जो आपकी बैलेंसिंग पॉइंट कितने पे आ रही थी, 73 पे, कितने पे आ रही थी, वो आपकी वैल्यू क्या होगी, एल की होगी। 100 से लेस करेंगे सेकंड पोजिशन आ जाएगी, यानी दोनों पोजिशन निकाल के आर की वैल्यू कितनी होगी, 3, और इसको पुट अप करके हम सॉल्व करेंगे। और इस पूरे कैलकुलेशन किस पे दिखाएंगे, हम बोर्ड पे डायग्राम के अकॉर्डिंग भी आपको समझाएंगे। इसमें जो है रीडिंग निकालनी थी आप लोगों को, तो रीडिंग में जो है फर्स्ट पॉइंट इसमें एल की वैल्यू कितनी निकाली मैंने यहाँ पे 40 सेंटीमीटर चेक किया, और सेकंड जो निकलेगा 60 निकल रहा है, इसमें 100 से लेस कर दिया, ठीक है। यानी आपकी इसमें रीडिंग जो मैंने चेक किया हम लोगों ने, तो पहली रीडिंग क्या 40 में अगर लेते हैं तो सेकंड कितनी हो जाएगी 60, और इसका अज्ञात प्रतिरोध फाइंड आउट करेंगे एस इक्वल टू आर 100 - L/L, देखिए कैलकुलेट करके 1.50। इसी प्रकार से जो है आप सेकंड क्वेश्चन में भी यही प्रोसेस करेंगे, 2 निकाला और इस तरह से करते हैं, सेकंड टाइम में सॉल्व करेंगे तो 1.53 अप्रोक्स आएगा, और थर्ड टाइम में 3 निकालने के बाद थर्ड रीडिंग फाइंड आउट करेंगे। तीनों को ऐड करके इसका क्या फाइंड आउट करेंगे, एवरेज, वही आपका जो होगा अननोन रेजिस्टेंस। ओके,